paper chromatography. When more than one solute is dissolved in a solvent, they can be separated using chromatography. Chromatography works because the dissolved substances, the solutes, have different sized particles, which travel at different speeds across or along filter paper. Chromatography is particularly useful in separating the different colored chemicals in dyes, food colorings, and inks. Scientists use chromatography to identify blood samples, to analyze urine samples, or to compare samples of chlorophyll from different plants. जब एक से ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो तो उसे जिस टेक्निक से सेपरेट किया जाता है उसे क्रोमैटोग्राफी कहते हैं. क्रोमैटोग्राफी डिसॉल्व सब्सटेंस के लिए वर्क करता है. लाइक सॉल्यूट जो कि डिफरेंट साइज पार्टिकल्स रखता है, वो फिल्टर पेपर के साथ साथ डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है. क्रोमैटोग्राफी डाइज में, फूड कलरिंग में और इंक्स में डिफरेंट कलर केमिकल्स को सेपरेट करने की एक ख़ास टेक्निक है. साइंटिस्ट ब्लड सैंपल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूरिन सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए और डिफरेंट प्लांट्स की क्लोरोफिल के सैंपल्स को कंपेयर करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं. कम टू द पेज नंबर 54. देयर आर टू मेन वेज ऑफ यूजिंग क्रोमैटोग्राफी. वन इज टू कट अ विक आउट ऑफ अ सर्कुलर फिल्टर पेपर एंड देन टू प्लेस अ डॉट ऑफ इंक इन द सेंटर ऑफ द पेपर. The ink from felt tip pens works particularly well. The wick is bent down into a beaker of water or some other solvent. The solvent soaks up the wick into the main part of the filter paper. As it does so, the various dyes in the ink spread out, forming concentric circles of different colors. Chromatography ko use karne ke do tarike hain. First one is circular filter paper mein hum ek wick cut karte hain. Wick means ek ट्राइंगुलर शेप में हम कटिंग करते हैं, एज यू कैन सी हेयर. और इस पेपर के सेंटर में एक इंक का डॉट लगाते हैं. जिस पेन को हम इंक डॉट लगाने के लिए यूज़ करेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है. और फिर विक को हम बेंट डाउन करते हैं, मीन्स उसको मोड़ देते हैं वाटर के बीकर पर और या जो भी सॉल्वेंट उसमें मौजूद है. सॉल्वेंट जो है वो विक को सोक अप कर लेगा, मींस जस्ब कर लेगा फिल्टर पेपर के मेन पार्ट में. और जैसे ही होता है, इंक के डिफरेंट डाइज, इंक के जो मुख्तलिफ डाइज होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो फिल्टर पेपर पे स्प्रेड होना शुरू होते हैं और डिफरेंट कलर्स के सर्कल्स बना देते हैं. एज़ यू कैन सी हेयर, जब इंक स्प्रेड होगी, इंक में जितने भी कलर्स होंगे वो तमाम एक सर्कल में स्प्रेड होते जाएंगे. A second method uses a rectangle of filter paper. A pencil line is drawn about 1 centimeter from the bottom of the paper. Spots of different inks are placed along this baseline. The filter paper is rolled up and put in a beaker containing a small quantity of the solvent. The solvent seeps up the paper, carrying the ink dyes with it. Each different dye will form a band up to a certain point. You can then compare an unknown ink to known inks to see which one it is. दूसरा मेथड ये है कि फ़िल्टर पेपर को रेक्टेंगल की शेप में यूज़ करेंगे. फ़िल्टर पेपर के बॉटम से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट इंक के स्पॉट्स को इस बेस लाइन, मीन्स इस लाइन के साथ साथ पुट करेंगे. फ़िल्टर पेपर को रोल्ड अप करके उस बीकर में रखना है जिसमें सॉल्वेंट की स्मॉल क्वान्टिटी मौजूद है. ये सॉल्वेंट इस पेपर में आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करेगा अपनी तमाम इंक डाइज के साथ. इस तरह हर इंक डाई, मींस डिफरेंट डाइज जो डिफरेंट कलर्स इस इंक में मौजूद हैं, वो एक ख़ास पॉइंट पर अपना एक बैंड बना देंगी, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. देन आप एक अननोन इंक को एक नॉन इंक से कंपेयर कर सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि ये अब कौन सा कलर है.